आज यकम दिसंबर है और तकरीबन 5 बज रहे हैं, तो आज हम सारे मिलके मुख्तलिफ जगहों से हम आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर में। मैं 13 साल बाद पीटीआई के मरकजी दफ्तर में आया हूँ। हमारी मकसद आने का सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं कि जो इंटरा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं इस हवाले से मालूमात हासिल करें और कागजात के नामजदगी, इलेक्शन के तरीक़ेकार, वोटर लिस्टें, ताकि जो पीटीआई के कई फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो हमारे साथ हैं, जो इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि इसके जो तरीक़ेकार हैं उनको मालूम हो, कागजात नामजदगी हमें दिए जाएं ताकि हम वो जमा कराएं और कल जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें भरपूर शिरकत कर सकें, तो इसलिए हम यहाँ के। मलक असमत काकड़ मलक बानी अक्षर है, लाला सुल्तान पटेल इंजन जी एस लालगोल काकड़ नौजादा अमीन जो कि तो अभी मैं आया इसी वास्ते हूँ कि आके पूछूं कि कल जो इंटरा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में मालूमात हासिल करें। अच्छा, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी हैं, मिसेज यूसुफ अली है, ये इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी थे स्वाबी से। अच्छा, इसी तरह ये हमारे ये फाउंडिंग मेंबर है टेक्सला से बिलाल राणा है, इसी तरह यूनस नाजिम तहसील नाजम भी थे टोपी के। अच्छा, अच्छा, इस तरह बहुत है पीछे, तो मतलब लीगल वो बराबर कर रहे हैं। वो पीटीआई के फाउंडिंग प्रेसिडेंट पंजाब, उन्होंने खसूसी कॉल की भाई हम इसमें शिरकत करना चाहते हैं इलेक्शन में, हमें बताएं क्या तरीकेकार किया, कागजात किए। तो इसलिए फिर हमने कहा कि चूंकि टाइम कम है खुद ही चले, हम खुद आए थे ऑफिस में, कोई था ही नहीं ना, उसी को वेट कर रहे थे किसी से बात कर रहे हो। बलूचिस्तान से हम कल रात को आए, तो कोई आपको नहीं कोई मालूम है? नहीं नहीं हमें कोई नहीं, आप यहाँ पर है आपको मालूम नहीं है, आपसे पूछ रहे हैं कौन है? हम तो देखिए ना, हम तो बड़े अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, आपको पता है कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, उस सबको मालूम है कि हमारा तो मकसद ये है कि इस पार्टी को एक इदारा बनाए, हमारा मकसद है कि इस पार्टी में वर्करों की इज्जत हो, हमारा मकसद है कि इस पार्टी में जमहूरियत हो। तो अब जब इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान किया तो हमने कहा कि ये तो बहुत अहम मौका होता है कि जमात को जमहूरी अंदाज में उसको मुनज्जम किया जाए, लेकिन वो उसी सूरत में मुनज्जम हो सकता है कि अगर वर्करों पे भरोसा किया जाए, वर्करों को वो मौका दिया जाए। हम तो ये नहीं कह रहे कि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं कि भाई वो इलेक्ट हो मरकजी की आदत या सूबाई की आदत, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि वर्करों को मौका मिलना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड में। तो फिर हम चूंकि वक्त कम था तो फिर हम खुद आ गए, हमने कहा कि कोई बात नहीं है, हमारा अपना दफ्तर है। वो अक्सर कोर्ट में आपने देखा, आपने सुना, तो लोग कहते हैं मुझे भाई ने देखा है उसने मुझे बताया, तो आपने कहा चलो सारे चीज सवाल करने से पहले खुद ही कह रहे हो कि जी मैंने देखा मैंने सुना, खुद ही चले जाएंगे। तो अब आप कल से आए हुए, आपको कोई मालूम नहीं है कि हम रात को पहुंचे, अभी उठे हैं बस डायरेक्ट आए, रात को लेकर बात करनी थी बस। यहाँ कौन मालूम देगा? नहीं आपको तो नहीं देगा, बाकी जिसको देंगे आप बता देंगे, खान के सिपाही तो कोई नहीं देगा। आप सिपाही है, आप देखो ऐसे
नहीं वो हम खुद यही है ऑफिस में तो कोई है नहीं बनता ना, तो हम किससे बात की गए सुख से साथ होता ऑफिस सब हो रहा ना रविया पड़े सुख से ऑफिस के कोऑर्डिनेटर यार फील खान हाँ ये राहू वाड़ी तो दादा असल